सामने आया है। अब बात कर लेते हैं बिहार की बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को नीतीश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार प्रत्येक साल रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, लेकिन इस साल इसलिए जारी नहीं कर रही है क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली और नागपुर से सरकार चलाई जा रही है, बिहार में दलितों पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। तेजस्वी ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया है। उन्होंने कहा कि शराब की होम डिलीवरी खुलेआम हो रही है, इस कानून के जरिए दलितों और अति पिछड़ों पर अत्याचार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार के खिलाफ आरजेडी के आरोप पत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के लगभग 2 दर्जन से अधिक बड़े नेता मौजूद। आरोप पत्र का जमात ही राजद के हमले को बयां कर रहा था, जिस पर लिखा था, कुर्सी के प्यारे बिहार के हत्या। लगभग 75 से अधिक पेज के इस आरोप पत्र की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पाखंडी है सरकार, पिछड़ रहा बिहार, लुट रहा बिहार और लुट रहा बिहार, कुर्सी कुर्सी खेल रही खिलाड़ी सरकार। नेता प्रतिपक्ष का हमला यही नहीं रुका। अपने पार्टी के आरोप पत्र के जरिए सरकार के लोकतंत्र से लेकर सरकार के सुशासन और शराबबंदी पर सवाल उठा। वह राज्य में दर्जनों घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप पत्र में सरकार के सभी खेलों का हिसाब है। जो मौजूदा सरकार है, बिहार के विकास में इनका ध्यान नहीं बल्कि बिहार के विनाश में इनका ध्यान है। हम एक बात बताएंगे कि पाखंडी है सरकार, पिछड़ रहा बिहार, लुट रहा है बिहारी और लुट रहा बिहार, कुर्सी कुर्सी खेल रही खिलाड़ी सरकार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। नेता प्रतिपक्ष का हमला यही नहीं रुका। आंकड़ों के जरिए उन्होंने बिंदुवार जवाब देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। दरअसल सूबे को नीतीश कुमार नहीं, नागपुर और दिल्ली में बैठे लोग चला रहे हैं। जनता का जो आरोप पत्र है, मौजूदा नीतीश जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आज हम लोगों ने आरोप पत्र जारी किया कि सरकार जो है हर एक मोर्चे पे फेल रही, और एक बुक आरोप पत्र के जरिए सारे बिंदुवार जहां जहां सरकार की विफलताएं हैं उसको हम लोगों ने जारी किया। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी और जदयू ने सफाई देते हुए कहा कि जो लोग कभी पास ही नहीं हुए वो फेल पास का रिपोर्ट बता रहे हैं। अगर यही रिपोर्ट वो पहले बता तो शायद सीन कुछ और होता। केवल हताशा में इस तरह का आरोप लगाते हैं। इस तरह के आरोप पत्र पर जनता कोई नोटिस नहीं लेती। आज जिस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो शायद नहीं गुजरना पड़ता, और उनको अभी ज्ञान कम है कि वो रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उनकी सरकार जब थी तो क्या की थी और आज कहाँ है, ये उनको पता नहीं चलेगा। चूंकि जिस दिन उनकी सरकार थी वो छोटे थे, एक भी स्कूल के भवन नहीं थे, बच्चे स्कूल में 26 लाख बच्चे बाहर थे भवन से, आज वो स्कूल में है। बढ़कर के जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर जो बिहार में उनके आरोप हैं, तो बिहार तो प्रति लाख संज्ञेय अपराध के जो मामले हैं पूरे देश में उसमें 22वें नंबर पर है, जबकि आबादी की दृष्टि से हम लोग देश के दूसरे बड़े प्रांत हैं। घोटालों के बारे में उन्होंने कई आरोप लगाए। जिस दल के तमाम नेता घोटालों में संलिप्त रहे हो, खुद तेजस्वी यादव के खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले ईडी ने दर्ज किए हैं, और उस पार्टी के नेता की ओर से अगर घोटालों की चर्चा हो रही है तो ये हास्यास्पद है। सृजन घोटाले को लेकर के उनकी ओर से आरोप लगाए गए। नीतीश कुमार जी को जब जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत सृजन घोटाले की जांच की के निर्देश दिए और फिर उसका सीबीआई को इसके जांच की सिफारिश की। बहरहाल सरकार ने भले ही अपना रिपोर्ट कार्ड अब तक जारी नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने अपने आरोप पत्र के जरिए राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार विपक्ष के इस चुनौती का जवाब देगा, और क्या राजद का यह आरोप पत्र बिहार के सियासत में सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार साबित होगा।
साधना न्यूज के लिए पटना से गणेश सबराज की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, सरकार ने रिपोर्ट कार्ड तो पेश नहीं किया लेकिन विपक्ष ने आरोप पत्र जरूर पेश कर दिया है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि विपक्ष सुशासन सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। तैयारियां चौक चौबंद नजर आ रही हैं। यहाँ पर सोन, जिस तरीके से विपक्ष ने आज रिपोर्ट तौर पे सरकार निशाने पे थी और महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने जो पिछले 8 महीने से जो कार्यकाल चल रहा उसको लेके निशाना पे साधा गया और सीधे तौर पे जिस तरीके से आरजेडी ने आरोप लगाया और जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड में यह दर्शाया गया है कि पिछले जब महागठबंधन की भी सरकार थी उस समय से लेके अभी तक सीधे तौर पे नीतीश कुमार अपने जो विकास के दावे करते हैं उस कामों को दिखाने के लिए आखिर रिपोर्ट तक क्यों नहीं जारी करते हैं। पहले नीतीश कुमार रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे। तेजस्वी ने तो चैलेंज किया है नीतीश कुमार को कि जिस समय हम सरकार में थे तब आप हमारे कामों की भी अगर रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता के सामने एक जवाब होगा। लेकिन जिस तरीके से हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है, हर मुद्दे में फंसती जा रही है सरकार और वैसे में जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड में जो रिपोर्ट कार्ड आरजेडी का है वो बिहार के जनता का रिपोर्ट कार्ड है जहां जनता ने नकार दिया और यही वजह है और इसी को ग्राउंड बनाते हुए राजद में सरकार के खिलाफ पूरी मोर्चेबंदी करते हुए यह रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया और साथ ही साथ चुनौती भी दी गई है कि अगर इस रिपोर्ट कार्ड से सरकार असंतुष्ट है तो वो अपने विकास के जो दावे करते हैं उसे जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे जिसमें वो अपने विकास के कार्यों की चर्चा करे। जाहिर सी बात है कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं करने के बाद ही तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जिसको सीधे कहा जाए यह आरोप कार्ड है सीधे तौर पे। गणेश, एक और चीज यहाँ पर अहम ये है कि बिहार की राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे वो बजट सत्र, उस दौरान भी विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिला। अब विपक्ष ने आरोप पत्र जारी करके जो है नीतीश सरकार से सवाल पूछा है लेकिन सुशासन बाबू आखिर चुप क्यों हैं? कब तक चुप रहेंगे? कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की चुप्पी जो है जनता के बीच में एक गलत मैसेज देती हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा उन्हें आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। व्यक्ति और बहुत दूर की राजनीति करते हैं। अमूमन यही वजह है कि नीतीश कुमार हर छोटे बड़े मुद्दे पे बोलते नहीं है लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो ठोस निर्णय के साथ बोलते हैं और उस समय कहीं ना कहीं उसका असर बिहार के राजनीति पे पड़ता हुए दिखता है। यही वजह है कि विपक्ष के बार बार शोर शराबा करने के बावजूद भी नीतीश कुमार बोलते नहीं थे लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले दिन बजट सत्र में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक हुआ नीतीश कुमार का उसके बाद से आज तेजस्वी ने कहा कि आज हम अपने चाचा जी के बबुआ जरूर हैं लेकिन हम नेता प्रतिपक्ष हैं, इस बात का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। वो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब उन्हें राजद को नहीं देना है, जवाब उन्हें विपक्ष को नहीं देना है, जवाब बिहार की जनता को देना है। लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और जब इस पूरे मामले में नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार वे हाथ जोड़ के आगे निकल के बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी चुप्पी साधे रहे। हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट करके जरूर तेजस्वी यादव के आरोप पत्र पे तंज जरूर कसा है लेकिन सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो वो बहुत कुछ बयां करती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि आखिर इतने दिनों में जो 8 साल का आशोबात कीजिएगा 8 महीने का जो कार्यकाल अभी का है उसके पहले जो महागठबंधन के साथ कार्यकाल था आखिर उसका रिपोर्ट का जारी नहीं करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल है और विपक्ष को एक मुद्दा दिया गया। हालांकि जो तमाम लोग हैं वो अब सफाई जरूर दे रहे हैं और विपक्ष के इस आरोप पत्र पे ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि उनको अधिकार नहीं है कि नीतीश कुमार के 12 साल के शासन काल को एक बार देख लें और वही लालू प्रसाद के शासन काल को देख लें कि अपराध का जो ग्राफ था वो गिरा हुआ, भ्रष्टाचार का जो ग्राफ था वो कम हुआ और वैसे लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में खुद जेल में हो, उनका पूरा परिवार जूझ रहा हो भ्रष्टाचार के मामले से, ऐसे लोग अगर किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं तो वो केवल ओछी राजनीति का मामला हो सकता है, सस्ती लोकप्रियता। लेकिन सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस आरोप पत्र के माध्यम से सत्ता और विपक्ष के बीच केवल बयानबाजी हो रही है। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के आरोप पत्र में पूरे बिहार के तमाम मुद्दे को दर्शाया गया है और इतना मोटा जो लंबे 78 पेज के आसपास का है, 70 पेज से ज्यादा है आरोप पत्र, तो अमूमन कहा जा सकता है कि बहुत सारे तथ्य विपक्ष में होने के नाते तेजस्वी यादव ने रखा या पूरी आरजेडी ने रखा है,
लेकिन इसका जवाब अब सत्ता से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ नीतीश कुमार इस आरोप पत्र के बाद जिसमें गंभीरता के साथ एक कि मुझे कौन बोलता नहीं देना है, मीडिया में जिस तरीके से मेरी आलोचना होती है। विपक्ष ने आरोप पत्र जारी कर दिया है, सवाल पूछा है सुशासन बाबू से कि आखिर काम क्या हुआ है, रिपोर्ट कार्ड जारी क्यों नहीं।